अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लियसगर और आज की इस वीडियो में हम एक पास्ट पेपर के सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2008 में हमें कहा गया है बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के मुताबिक हमें कहा गया है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इसमें हमें MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2 Mn+2 प्लस Fe+3, यह हमें एक इक्वेशन दे दी गई है और कहा गया है कि आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन के मुताबिक आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें। तो सबसे पहले स्टेप वन की अगर हम बात करेंगे तो याद रहे कि सबसे पहले मैंगनीज जो है Mn से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, हमें उसको बैलेंस करना होता है। जैसे MnO4 नेगेटिव है और यहाँ Mn+2 है, तो यहाँ मैंगनीज की जो तादाद है वो बराबर है, लिहाजा हमें दोनों साइड में किसी भी जगह पर कोई नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ आयरन की बात है Fe+2 और Fe+3, यानी Fe की तादाद एक एक है, लिहाजा हमें दोनों में से किसी भी जगह पर कोई नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ऑलरेडी बैलेंस हैं। यहाँ अगर कोई तादाद कम या ज़्यादा होती तो हम नंबर को ऐड करते। स्टेप टू, मैंगनीज ऑक्साइड में यहाँ हमें ऑक्सीजन 4 है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है विद द हेल्प ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ मैंगनीज ऑक्साइड में ऑक्सीजन की तादाद 4 है जबकि यहाँ एक भी तादाद नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, 4 वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करना होगा। लिहाजा पानी के मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन थे तो 4 पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, जबकि यहाँ दोनों साइड पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, लिहाजा हमें वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से स्टेप 3 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप 3 में हमें हाइड्रोजन की तादाद को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के दौरान 4 हाइड्रोजन का यहाँ इस साइड पे इजाफा हुआ था, तो यहाँ हमने हाइड्रोजन की तादाद को हाइड्रोजन आयन की मदद से क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ एक भी नहीं है, लिहाजा 8 हाइड्रोजन हमने क्या किए हैं, शामिल किए हैं 4H2। तो 1H2O के मॉलिक्यूल में 8 हाइड्रोजन है, लिहाजा यहाँ 8H+ आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं थे, लिहाजा हमें कोई हाइड्रोजन आयन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ स्टेप नंबर 4 में हमें चार्ज को बैलेंस करना होता है, यहाँ है 8H+, यानी एक हाइड्रोजन आयन में +1 है, 8 है तो ये 8+ चार्ज आएगा, और MnO4 पर नेगेटिव है, +8 -1 +7 हो गया, जबकि यहाँ सिर्फ +2 है। तो हमें चार्ज को बैलेंस करना होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ जो है वो +8+ में है और -1 +7 था, यहाँ +2 है, तो इसमें से +7 में मुझे -5 करना है, तो ताकि दोनों साइड पर +2 +2 हो जाए, तो 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ -1 लेकर आएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से यहाँ ओवरऑल चार्ज +2 हो जाएगा और यहाँ पर भी ओवरऑल 2 होगा। इसी तरीके से यहाँ आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन में यहाँ है Fe+2 और यहाँ Fe+3 है, तो 1+1 कम करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शामिल किया। अब इस मरहले में स्टेप नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की तादाद जो ऊपर होगी नीचे वाली इक्वेशन उससे मल्टीप्लाई होगी। इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद एक ही है, लिहाजा हमें ऊपर 1 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये इक्वेशन सेम रहेगी, जबकि ऊपर वाली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है, लिहाजा यहाँ इसको 5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 5Fe+2 5Fe+3 और ये हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से यहाँ इस इक्वेशन में हो जाएंगे कैंसल आउट और फाइनल हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe+2 प्लस 8H+ Mn+2 प्लस 5Fe+3 प्लस 4H2O और ये हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। अगर आपको हमारी ये लेक्चर समझ में आया है तो आज ही आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। इस लेक्चर के लिए स्पेशल थैंक यू हम हमारी स्टूडेंट आयशा असलम को करना चाहेंगे जिन्होंने अपना ये रजिस्टर जो है वो स्टूडेंट की हेल्प के लिए हमें प्रोवाइड किया है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।